हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत सारे यूजर्स को पता चल गया होगा कि भाई फाइनली यहाँ पर गाइस इंडिया के अंदर टिकटॉक जो है परमानेंटली यहाँ पर बैन हो चुका है। टिकटॉक ही नहीं गाइस, यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं बैन हो चुकी हैं, जो कि गाइस यहाँ पर चाइनीज एप्लीकेशन से। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा इन सारी एप्लीकेशन को यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है क्यों यहाँ पर बैन किया, आखिरकार क्या रीज़न था यहाँ पर इनको बैन करने का। मोस्ट ऑफ द यूजर्स को पता है, लेकिन भाई जो यूजर्स इसको यूज़ करते हैं उनको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई आखिरकार ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पर क्यों बैन हुई हैं। एंड बहुत सारे यूजर्स का भाई अभी भी डाउट है कि भाई अगर ये सारी एप्लीकेशंस बैन हो चुकी हैं तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस अभी भी हमें प्ले स्टोर पे क्यों देखने को मिल रही हैं, और ये सारी एप्लीकेशंस हमें प्ले स्टोर से कब तक हटेंगी, पूरी डिटेल्स की बात करूंगा गाइस इस वीडियो के अंदर। तो आइए इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल रात को यहाँ पर होता कुछ जैसे कि भाई हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है, जहाँ पर हमें ये ट्वीट देखने को मिल जाता है कि भाई गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियली इन सारे 59 ऐप्स को यहाँ पर बैन कर दिया है। एंड यहाँ पर आप पूरी लिस्ट जो है अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर गाइस मैं यहाँ पर इस लिस्ट की बात करूँ तो गाइस इस लिस्ट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, क्लब फैक्ट्री, एंड यहाँ पर आपको वी चैट, क्लब फैक्ट्री और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, न्यूज स्टॉक वगैरह हो गए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं तो अभी का भी इन्हें अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने इन्हें अब ऑफिशियली बैन कर दिया है। एंड अगर आप इन एप्लीकेशन को अभी भी यूज़ कर रहे हो तो भाई आपके लिए जो है ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई ये सारी एप्लीकेशन जो है चाइनीज एप्लीकेशन हैं। एंड चाइना के अंदर भाई एक लॉ है, अगर आप कोई भी चाइनीज ऐप जो है यूज़ करते हो, चाहे आप किसी भी कंट्री के अंदर यूज़ करते हो, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उस यूज़र का जो डेटा है कभी भी एक्सेस कर सकती है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ इंडिया की, अगर आप इंडिया के अंदर टिकटॉक यूज़ करते हो तो भाई आपको पता है टिकटॉक जो है यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी है। एंड जब चाहे चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है टिकटॉक से जो है किसी भी यूज़र का डेटा यहाँ पर ले सकती है, चाहे आप बात कर लो मेरा या फिर किसी का भी जो डेटा है चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है एक्सेस कर सकती है यहाँ पर टिकटॉक के ब्रांड के थ्रू। मतलब तो आप सोच सकते हो कि भाई हमारा जो डेटा है कितना ज़्यादा यहाँ पर खतरे में है इस वक्त, और आप सबको तो पता ही है यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर जो है अभी क्या डिस्प्यूट पूरा चल रहा है, तो उसके हिसाब से ही जो है गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि भाई अगर आपके फ़ोन्स के अंदर ये सारी एप्लीकेशन हैं तो भाई जल्दी से इन्हें अनइंस्टॉल कर दो। वैसे गाइस यहाँ पर टिकटॉक के रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई टिकटॉक कितना ज़्यादा खतरनाक है। रिसेंटली गाइस आपको पता है iOS 14 यहाँ पर एप्पल यूजर्स के लिए आ चुका है। एंड यहाँ पर रिसेंटली एक यूज़र थे, उन्होंने यहाँ पर नोटिस किया कि भाई इंस्टाग्राम के अंदर वो कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर टिकटॉक जो था बैकग्राउंड में उस टेक्स्ट को एक्सेस कर रहा था, हमारे क्लिपबोर्ड को एक्सेस कर रहा था। तो आप सोच सकते हो कि भाई टिकटॉक भाई बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या यहाँ पर चीज़ों को एक्सेस करता होगा, जैसे कि हमारे फोटोज़ हो गए, हमारे वीडियोज़ को अपलोड करना हो गया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर टिकटॉक ऐप। एंड एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भाई तो यही कहूँगा कि भाई एंड्रॉयड के अंदर हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल जाती है, और मैं कहूँगा कि भाई गूगल को इस तरह की चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने अगले एंड्रॉयड वर्जन के अंदर, एंड्रॉयड 11 या फिर कम से कम भाई एंड्रॉयड 12 के अंदर ये चीज़ तो यहाँ पर आनी ही चाहिए। ये चीज़ जो है काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। एंड मैं बस आपसे बस इतना ही कहूँगा कि भाई अगर आप इन सारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो जल्दी से इन्हें इंस्टॉल कर दो। और बस भाई ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, बस इतना बोलूँगा कि भाई अगर अब तक अनइंस्टॉल नहीं किया है तो भाई अनइंस्टॉल कर दो। बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यहाँ पर अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, आप यहाँ पर कोई भी ऐप का जो अल्टरनेट है सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स का भाई कंप्लेन था कि भाई टिकटॉक जब बैन हो चुका है तो उसके बाद प्ले स्टोर पर अभी भी वो क्यों है, तो भाई यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अभी जब मैंने टिकटॉक को भाई सर्च किया प्ले स्टोर के ऊपर तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा रहा, लेकिन मेरे कुछ कज़न के हैंडसेट पर जो है ये टिकटॉक ऐप इंस्टॉल था, और मैंने वहाँ पर जब चेक किया तो वहाँ पर मुझे प्ले स्टोर के अंदर दिखा रहा था, क्योंकि भाई उनके फ़ोन्स में इंस्टॉल था। तो मैं ये कहूँगा कि भाई धीरे धीरे टिकटॉक और जो भी सारी ऐप्स यहाँ पर बैन हो रही हैं, यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए जो है थोड़ा सा वेट करना होगा। सारी एप्लीकेशन जो है मुझे पता है जल्द से जल्द यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर से जो है हट जाएंगी, आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा। और भाई पबजी यूजर्स तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होंगे कि भाई पबजी यहाँ पर बैन नहीं हुआ, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अदर एप्लीकेशन यहाँ पर बैन हो चुकी हैं। तो भाई मैं तो बस यहाँ पर यही कहूँगा कि भाई खुशियाँ मनाओ, भाई फाइनली यहाँ पर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन यहाँ पर बैन हो चुकी हैं। मुझे भी भाई ये सारी एप्लीकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड मैं शुरू से ही इनके भाई काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हूँ, और मैं अपने घर में भी भाई बोलता रहता हूँ कि भाई इन सारी एप्लीकेशन को यूज़ मत करो, अनइंस्टॉल कर दो। तो बस आज के इस छोटे से वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे बस आपको यही न्यूज़ एक बतानी थी। एंड ट्विटर पे भी मैंने भाई इसके ऊपर एक ट्वीट किया था,
तो गाइस अगर आपने अब तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो भाई ट्विटर पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, हर जगह भाई भाई फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करो। और चैनल पे अगर आप पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलना। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित कुकरेजा, आप देख रहे हैं द एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर।